जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में बड़ा हादसा, नदी के करीब गहरी खाई में गिरी आईटीबीपी के जवानों से भरी बस, 7 जवान शहीद। बस में आईटीबीपी के 39 जवान सवार थे, हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए, कई जवान जख्मी हैं, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बस में सवार थे कुल 41 जवान, इनमें से 39 जवान आईटीबीपी के और 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के शामिल। चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी ये बस, इसी दौरान ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे सभी जवान, तभी हादसे का शिकार हुए। वहीं चंदनवाड़ी हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया है, घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उधर शोपियां में आतंकवादी हमला, सेब के बागान में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, शोक में डूबे परिजन। शोपियां में आतंकी हमले में मृतक सुनील कुमार के भाई प्रतिम्बर नाथ को भी गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा न मुहैया करा पाने पर लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश। जब हमारा वाका हुआ मेरे भाई के साथ, मैं 4 बार ड्यूकॉम के पास गया, डीसी के पास गया, उन्होंने एक बार ये हमारी नहीं सुना, बोला अपने गांव में बैठो, उधरी मारो, उधरी करो अपना काम। उधर शोपिया में आतंकवादी हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, कहा 370 हटा थे, बस सुरक्षा का दिया गया था भरोसा, वादे का क्या हुआ। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा, तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। शोपिया के लिंक पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत कायराना, दोषियों को जल्द मिलेगी सजा। और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। आज बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक, नीतीश और आरजेडी के खिलाफ पोल खोल अभियान की तैयारी। को मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से, लेकिन घबराइए मत, बिहार की जनता के साथ हम खड़े हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार, महागठबंधन सरकार में 31 नए मंत्रियों की शपथ, जबकि बिहार में आरजेडी कोटे से 16 मंत्री बनाए गए। बिहार की महागठबंधन सरकार में जेडीयू कोटे से 11 मंत्री बनाए गए। कयासों पर लगा विराम, गृह मंत्रालय एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास, नीतीश के पास कुल 5 विभागों का प्रभार, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य, सड़क और नगर विकास के साथ 4 विभागों का प्रभार। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को भी मिला मंत्री पद, तेज प्रताप के पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का प्रभार। महागठबंधन सरकार के सीएम नीतीश एक्शन में, कहा आज ही करूंगा कैबिनेट की बैठक। सब लोग के विभाग की घोषणा हो जाएगी और आपको आज बता दें कि आज ही हम एक बार फिर पूरे कैबिनेट की भी बैठक करेंगे, तेजी से काम करेंगे। जेडीयू विधायक लेश सिंह बनी मंत्री, मिला खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय का प्रभार, सीएम नीतीश का जताया आभार। मुख्यमंत्री जी अपने नेता जो है उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगी, मुझ जैसे कार्यकर्ता को फिर से उन्होंने जगह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वार, कहा गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदला जितना नीतीश ने बदला। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को लेकर नीतीश पर कसा तंज, कहा अब भतीजे से है चाचा का कंपटीशन, सत्ता की चाबी भतीजे के पास, ऐसे में कैसे मिलेगा रोजगार। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। बिहार में मनेर में महागठबंधन सरकार बनने पर जमकर मना जश्न, नाच गाने का हुआ आयोजन। राजस्थान के बारा में जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, कई रास्तों पर सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोलांग नाला के तेज बहाव में बहे 2 युवक, तलाश जारी।
दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर, निचले इलाके में झुग्गियां डूबी, मजदूरों की फुटपाथ पर गुजर बसर की पूरी तरह से मजबूरी। पंजाब के पठानकोट में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लेकिन कई इलाकों में जलभराव का संकट। नासिक में आज सुबह देखा मौसम का बदला हुआ मिजाज, जबरदस्त धुंध, वाहन चालकों को परेशानी। कठुआ में सैलाब से तबाही, नदी के उफान में फंसे 3 लोगों की बचाई गई जान। कठुआ में बाढ़ से बड़ी मुसीबत, 6 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। भोपाल में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश, कई इलाके जलमग्न, डीएम ने आज स्कूलों में घोषित किया अवकाश। ओडिशा के जगतसिंहपुर में भी सैलाब का संकट देखने को मिल रहा है, ग्रामीणों की मुसीबत काफी बढ़ गई है। जबकि ओडिशा के जूनागढ़ कालाहांडी में भारी बारिश के बाद उफराई नदियां, रिहायशी इलाके में सैलाब का संकट, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पंजाब के पठानकोट में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। मध्य प्रदेश खरगोन में ओंकारेश्वर डैम के 16 गेट खोलने पड़े, जबकि एमपी के रायसेन में नवनिर्मित पुल धस गया, बिना नदी पर बना है ये ब्रिज। राजस्थान के बूंदी में 30 मिनट की बारिश ने इलाके को किया तरबतर। बूंदी में सड़कों पर जल भराव का संकट, लोगों की मुसीबत काफी बढ़ गई है। बारा में तेज बहाव में बह गया बाइक सवार, स्थानीय निवासियों ने मुश्किल से बचाई बाइक सवार की जान। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी उफान पर है, करीबी इलाकों में बढ़ा सैलाब का खतरा। भागलपुर में उफान पर गंगा, बढ़ान कटान का संकट, कई घर हुए जलमग्न, कुछ ठहरने के कगार पर। औरैया में डीजल की पाइपलाइन में सुराख होने से गड्ढे में भर गया डीजल, सूचना पर जेसीबी से खुदाई करके पाइपलाइन को किया गया रिपेयर। आतंकी संगठन से सैफुल्ला का कनेक्शन जुड़ने पर आज तकनीकी पड़ताल, रक्सौल में घर पर लटका मिला ताला। कर्नाटक के शिमोगा शहर में सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर पर विवाद, लगा कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज 18 अगस्त तक बंद। एक हिंदू संगठन ने शिमोगा में अमीर अहमद चौराहे पर सावरकर का लगाया था पोस्टर, मुस्लिम संगठन ने कुछ लोगों ने फोटो हटाने की कोशिश की। अल्पसंख्यक प्रदर्शनकारियों ने सावरकर का पोस्टर हटाने के दौरान टीपू सुल्तान का झंडा लहराया, बढ़ा विवाद। शिवमोगा में चाकूबाजी की वारदात में पुलिस ने 4 लोगों को किया है गिरफ्तार, गिरफ्तारी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गोली मारी। सियाचिन में बर्फ तले दबा मिला लापता लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर, 38 सालों से लापता थे चंद्रशेखर, सेना ने अब उनके शहीद होने के परिजनों को जानकारी दी, घर भेजा जा रहा है पार्थिव शरीर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तिरंगा बांटने पर एक परिवार को मिले सर तन से जुदा की धमकी, घर में दीवार पर लिखकर धमकाया गया, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। राजस्थान के अलवर में भीड़ तंत्र ने ली 50 साल के चिरंजी लाल की जान, लोगों ने चोर समझकर बुरी तरह से पीटा, अस्पताल में मौत। चिरंजी लाल की मौत पर सैनिक समाज ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, आंदोलन की धमकी। बिहार के रक्सौल में फटा सिलेंडर, एक शख्स की जान गई। जबकि पाकिस्तान के जलालपुर पीरवाला में दर्दनाक हादसा, ऑयल टैंकर से टकराई यात्री बस, 20 लोग जिंदा जल गए 6 जख्म। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, सदैव अटल समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पुष्पांजलि अर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सदैव अटल समाधि स्थल पर आकर अटल जी को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सदैव अटल समाधि स्थल पर आकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। उधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस सांसद का विवादित बयान सामने आया, डिप्टी सीएम फडणवीस को कहे अपशब्द। प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बनर्जी के बयान से बीजेपी राज्यसभा सांसद सुकांतो मजुमदार खफा। सुकांतो ने कहा कि पीएम के प्रति तूतू मैमे की भाषा से अपना परिचय दे रही हैं ममता। बिहार के खगड़िया राजकीय गेस्ट हाउस में बाहुबली आनंद मोहन का वीडियो वायरल है।
सजा याफ्ता सांसद आनंद मोहन के साथ दिख रहे आरजेडी नेता, पार्टी ने कहा पुरानी फोटो। यूपी के विंध्याचल में श्रद्धालुओं को गोली मारने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीड़ ने पुलिसकर्मी को पीटा, एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को किया है गिरफ्तार। जालौर में दलित छात्र की हत्या के विरोध में सीकर में हुआ एक दिन का सत्याग्रह। उत्तर प्रदेश के बांदा में नाम हादसे के मृतकों के लिए निकला कैंडल मार्च, अब तक 13 लोगों की मौत। लखनऊ में 15 अगस्त के सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवादित वीडियो का सच सामने आया। लखनऊ पुलिस ने वायरल दावे को किया खारिज, कहा गलत संदर्भ में वायरल किया गया वीडियो। वायरल वीडियो में भारत माता के सिर से मुकुट हटाने का किया गया था दावा। गलत संदर्भ में वीडियो वायरल करने वाले खिलाफ आईटी एक्ट में कार्रवाई करेगी पुलिस। राजस्थान के सीकर में स्वतंत्रता दिवस की शाम को निकाले गए तिरंगा यात्रा, 400 लोग इसमें शामिल हुए। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी के बाद खुलासा, अफजल बनकर विष्णु ने दी थी धमकी। उमरा बाईपास पर हुए नादिया मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार, थाने पुलिस ने पर्दाफाश किया। उधर औरंगाबाद के खेड़ा आठे गांव में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, 17 साल के नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जमकर बारिश, नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, हाई अलर्ट जारी। ऋषिकेश से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला हाईवे भूस्खलन के चलते हुआ बंद, यात्री पैदल चलने को मजबूर। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लाखों की लूटपाट, पुलिस की वर्दी पहनकर घर में घुसे थे बदमाश, बेटी की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सब्जी बेचने वाले युवक की मौत, हत्या करके तालाब के पास छोड़ा गया था शव। सोनीपत के बहालगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूट, 90,000 लेकर फरार हुए। यूपी के बलौत में बेटे ने बेरहमी से पिता समेत 2 बहनों को मौत के घाट उतार दिया, पिता ने प्रॉपर्टी से किया था बेदखल। तमिलनाडु के बैंक में 32 किलो सोने की डकैती, 2 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए, बरामद हुआ 18 किलो सोना। उज्जैन में निकाली गई महाकाल की शोभा यात्रा, नगर भ्रमण करके बाबा ने जाना भक्तों का हाल।